इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और वी कैन री राइट दिस एज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. ये जो गिवन है इसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट. ये इतने फॉर्मूलाज जो हैं, दीज आर नोन एज बेसिक फॉर्मूलाज ना. ए प्लस बी होल क्यूब, अब यहीं से मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब, राइट. ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए, ए माइनस बी द होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी ए स्क्वायर बी. ठीक है, नोट डाउन. इधर पहले ये पेज दे देता हूं आपको, ये देख ले एंड इसके बाद आगे बढ़ाता हूं. डन, नेक्स्ट पेज पे जाऊं. हो गया, अखिल अनय केट डू इट फास्ट, हो गया. नेक्स्ट पेज पे जाऊं. Yes, sir. ये नोट करो बेटा. बेसिक फॉर्मूलाज हैं बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो काफी यूजफुल हो जाएंगे, राइट. अगर यहीं पर ओके डन एवरीवन, राइट. इसमें कुछ और फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक ए टू द पावर फोर
प्लस ए स्क्वायर प्लस वन। अब ये देखने में ऐसे दिखाई नहीं देगा कि ये फैक्टर हो रहा है, बट अगर ध्यान से देखो वी कैन राइट टू ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, सही है। तो दिखाई नहीं देने पर भी ये बड़े अच्छे वर्किंग वाले फॉर्मूलाज हो सकते हैं, राइट। दो फैक्टर हमारे पास हो गए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। ओके, नाउ कुछ इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस वन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। डू इट फास्ट, कोशिश करो फॉर्मूला जो बताया उसी पर बेस। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा अच्छे से। जस्ट अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया, क्या था वो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स यहां के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। यही है, राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या वैल्यूज है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, राइट। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, एक्स वाई जेड है। मेरे पास एक ये क्वांटिटी नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके लिए व्हाट वी कैन डू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नो दैट, ये भी फॉर्मूला यूज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। तो ध्यान दो इसकी वैल्यू डी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू वन वन स्क्वायर, और ये क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस वन माइनस टू थ्री। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास, इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास थ्री, राइट। इसकी वैल्यू दी हुई है वन, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू माइनस वन, राइट, एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू भी है माइनस वन। सबको पुट करो, देखो तो क्या आया, क्या आया, देखो आंसर, डन।
क्या क्या नंबर से देखो, वन ये आया अंडर ब्रैकेट, ये नंबर था थ्री, ये नंबर माइनस माइनस प्लस वन, ये पूरा हुआ फोर, ये माइनस वन एंड थ्री, तो प्लस थ्री हो गया, राइट साइड में ले जाऊंगा तो माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री की वैल्यू हो गई वन, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ गई वन। ओके, ठीक है, हाँ राइट डाउन नेक्स्ट। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ थ्री प्लस वन बाई क्यूब रूट ऑफ थ्री, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई क्यूब माइनस थ्री वन, इसकी वैल्यू क्या है?
वेरी गुड वेरी गुड राइट. तो अब ये जो है हमारे पास गिवन y इज इक्वल टू, मेरे पास दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ पावर थ्री किया, तो y क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी. ध्यान दो, a क्यूब का मतलब हो जाएगा थ्री. Am I audible, everyone? Yes, sir. Rumi, check करो बेटा अपना. 3AB 1 हो जाएगा. A plus B is 3 to the power 1 by 3, 1 by 3 to the power 1 by 3, right? तो 3 to the power 1 by 3, 3 to the power 1 by 3, ये फिर से वही है जो y था. मतलब ये आया y cube is equal to 3 plus 1 by 3 plus 3y. मतलब y क्यूब माइनस 3y इज इक्वल टू 10 बाय 3. इज इट ओके? वेरी गुड, काफी लोगों का सही रहा ना. नहीं सर, नहीं समझा. क्या नहीं समझा बेटा? सर वो ये वाले स्टेप से जहां से आपने रेड से शुरू किया ना. हाँ, क्यूब किया दोनों तरफ, क्यूब किया हमने. वेरी गुड, इसे था दोनों तरफ क्यूब किया, दोनों तरफ पावर थ्री दिया. नीचे देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया था, a प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया इसमें, ये वाले में. sir, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, a प्लस होल क्यूब का. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab में दोनों कैंसिल होके 1 हो गया और ये a प्लस b ये हो गया, बट ये वाली वैल्यू ही y थी तो इसको उठा के फिर से y रख दिया और जो सबसे रैशनल नंबर अच्छे से प्यारे से आ गए. हम लोग ने y को a रखा और 3 प्लस उसको b रखा. क्या थी बेटा? क्या a का वैल्यू y रखा ना? नहीं, a a a तो 3 टू द पावर 1 बाय 3 है ना. a तो 3 टू द पावर, और b जो है 1 बाय 3 टू द पावर 1 बाय 3 है ना. okay, ये a है ये b है ना, a प्लस b का होल क्यूब लगाया. ओके okay. ठीक है. यस सर, आगे बढ़ूं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन होते हैं क्यूब में या स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज में ना, जहाँ पर थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल राइट, कि कैसे फॉर्म बन रहे हैं. एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देता हूँ, बट इस बार एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी लोग x टू द पावर माइनस 1 बाई 3 का मतलब 1 बाई x टू द पावर 1 बाई 3 होता है, ठीक है. फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू चाहिए. डू इट फास्ट.
डन सी। अब इसमें भी वही लगाता हूं, दोनों तरफ पावर थ्री लगाया, राइट, इसमें पावर थ्री, इसमें पावर थ्री, तो ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री का होल क्यूब माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री का होल क्यूब प्लस, राइट, ये भी माइनस हो गया, थ्री एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री, यही फॉर्मूला होता है। तो वेरी गुड, यहां से दिखाई देगा क्या हो सकता है पॉसिबल, राइट, वेरी गुड, तीन लोगों का आंसर भी आ गया। एक्स क्यूब इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये फिर से जो था ए वो ए आ गया, तो ए क्यूब प्लस थ्री ए की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वन बाई एक्स, राइट, इज इट ओके, इज इट ओके, समझ में आई बात सभी को? हाँ सर। वेरी गुड बेटा, हाँ, एक और दो ऐसा क्वेश्चन देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मानते हैं। हाँ सर, हाँ, हाँ सर। इस बार लेकिन प्रॉमिस करना है सबको कि सबका सही होना चाहिए ना, ये लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन ये फ्रेम होता है, x इज इक्वल टू टू प्लस टू टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस टू टू दी पावर टू बाई थ्री, राइट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, टेक योर टाइम, तीन मिनट का टाइम आपके पास।
डन मैं करूं सी, इसे रीराइट करता हूं दोनों तरफ क्यूब किया एक्स क्यूब माइनस एट प्लस थ्री एक्स इंटू माइनस टू स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी राइट ये लिखने से मेरे पास जो एक्स क्यूब था वो ऐसा ही रहा माइनस एट को वैसा ही रखा ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस फोर सिक्स प्लस थ्री इंटू टू सिक्स इंटू दिस इज एक्स माइनस टू और दिस इज कमिंग एज एक्स क्यूब 12x minus 6x is 6x minus 6x square 6 6 into 2 minus of minus 12 plus 8 is equal to 2 तो x cube minus 6x square plus 6x की value जो आई वो आई 2 is it sir, okay हाँ sir 2 raised to 1 by 3 plus 2 raised to 2 by 3 the whole cube कैसा किया आपने समझाओ ना फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी का होल क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी राइट तो ए क्यूब में टू टू दी पर वन बाय थ्री का पावर थ्री तो टू आ गया बी क्यूब में टू स्क्वायर आ गया फिर थ्री ये दोनों को मिलाऊंगा तो टू का पावर वन आ गया ये पूरा किया तो एक्स माइनस टू आ गया ठीक है ओके ठीक है बेटा आई बात समझ में फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए ये पूरी वर्किंग थी राइट इसी में आगे बढ़ता हूं अगर फैक्टराइजेशन मैं कहूं ए टू दी पावर फोर माइनस बी टू दी पावर फोर का फैक्टर करना है तो क्या होगा वन बाई वन जाऊंगा वन बाई वन मतलब पहले ही से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोचूंगा तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर इसे फैक्टराइज करूंगा तो ए माइनस बी जाएगा ए प्लस बी जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूरा का पूरा नंबर ठीक है इज इट ओके ठीक है ना यस सर अब इक्वेशन को सॉल्व करने पर फैक्टराइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना जैसे अगर मान लो मैं कोई भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को फैक्टराइज करने की बात हो रही है राइट ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम याद है ना 9 10th में भी हम लोगों ने किया था तो लाइक इफ आई एम गिविंग यू कुछ फर्स्ट फैक्टराइज करने के लिए एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इसके क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है क्यूबिक इक्वेशन है क्या क्या फैक्टर इसके पॉसिबल हो सकते हैं ट्राइट
देखो क्यूबिक वगैरह रहे तो अभी के लिए, वैसे तो फॉर्मूला भी होता है जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको करना क्या चाहिए कि इसमें x को प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री आप ट्राई करें। अगर आपने वन रखा तो वन माइनस सिक्स प्लस वन माइनस सिक्स विल बी जीरो। जीरो आने का साफ मतलब है कि वन जो है इसका फैक्टर है, x इज इक्वल टू वन हमने पुट किया तो जीरो आने का मतलब है वन इसका फैक्टर है, मतलब x माइनस वन इससे कॉमन आएगा। अगर x माइनस वन कॉमन आ रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन में अच्छी बात क्या है कि x माइनस वन से डिवाइड करने पर और बची हुई चीजें आपके पास आ सकती है। मतलब मैं डिवाइड करना शुरू करूं, आई गेस ऑल यू नो द डिविजन पार्ट राइट। पहले एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5x जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस तो 6x गया माइनस 6 तो प्लस 6 गया तो यू आर गेटिंग कंप्लीट डिविजिबल। मतलब एक फैक्टर तो हमारा x माइनस 1 था और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से मुझे दिख रहा है दूसरा फैक्टर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 है। Is it okay? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। राइट, जल्दी से नोट करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं बट वी मस्ट नो, इसलिए पहले हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू वन हमने यहाँ पर पुट किया राइट। x इज इक्वल टू वन जैसे पुट किया तो x इज इक्वल टू वन पर दिस इज कमिंग एज जीरो राइट। x इज इक्वल टू वन जीरो आने का मतलब है कि ये जो मेरे पास गिवन है इसमें x इज इक्वल टू वन पर जब जीरो आ गया तो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू वन इसका एक फैक्टर है, मतलब x माइनस वन से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तभी रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो हमने x माइनस वन से इस पूरे को डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो अच्छी बात क्या रही कि मेरे पास बड़ा ये कम्प्लीटली डिविजिबल आया, कम्प्लीटली ऑब्वियसली बात आ नहीं था, तो ये जो नंबर मेरे पास बना वो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बना मेरे पास उसको फैक्टराइज किया तो ध्यान से देखो ये सीधा का सीधा x माइनस टू एंड x माइनस थ्री पर चला गया। ओके ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, राइट फैक्टर्स है ये सब ना, बट यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट वे कि लाइक कैसे इनको ब्रेक करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑन दिस, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे इसके पूरे फैक्टर निकालने का ना, टेक योर टाइम आराम से। ये
कुछ वैल्यूज को ट्राई करो, जैसे ट्राई करोगे देखना यू विल गेट समथिंग बड़ा अच्छा सा प्यारा सा आएगा। मैंने क्या क्या कहा था, x की वैल्यू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री ये पुट करने हैं ना।
यू हैव टू पुट द वैल्यूज, जैसे आप पुट करोगे वैल्यूज तो आपको अपने आप दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वैल्यूज आ रही है. तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अपने आप दिखाई देगा ये जीरो जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट. तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आपको पुट करनी है अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखते जाएंगे कि क्या क्या हमारे पास होने को है, कहाँ पर वो जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ना जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है उसी को हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही है ना उसमें, ठीक है. अब इसी में एक एक करके जब वैल्यूज आपने पुट किया तो आप ध्यान से देखो क्या वन पर, माइनस वन पर, टू पर, माइनस टू पर, एक चेक करा हाफ पर, माइनस हाफ पर, ये हमें चेक करके देखना पड़ेगा क्या ये जीरो हो पाता है या नहीं हो पाता. यहाँ पर क्योंकि टू का फैक्टर भी आ रहा है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है x इक्वल टू हाफ और माइनस हाफ पर भी आपको चेक करना पड़े. हाफ और माइनस हाफ पर अगर आप चेक करोगे तब आपको जाके दिखाई देगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. जल्दी से चेक करो तो हाफ एंड माइनस ये हमेशा डिपेंड करेगा क्या चीज की, हर एक जो वैल्यूज है वहां पर आपको चेक करने पड़ेंगे, राइट. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास अब भी कोई उपाय नहीं है, बट धीरे धीरे आगे जब हम लोग स्टडी करते जाएंगे तो हमारे पास उपाय आते जाएंगे. तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे उसको वर्किंग करने का यही हमारे पास एक तरीका रहेगा, राइट. नाउ लेकिन हम लोग बात कर रहे थे इसमें फैक्टर की बात कर रहे थे एज वेल एज हम लोग बात कर रहे थे जब हमें इन फैक्टर के साथ में डील करना पड़े, जैसे रिमाइंडर की बात ना, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं. देखो x टू द पावर 4 ये क्लास 10th में शायद आप लोगों ने किया हो, अगर नहीं भी किया है तो ध्यान से देखना. दिस इज डिविजिबल बाई x माइनस टू देन रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा, राइट. अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि जहां पर जो भी, देखना ध्यान से सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, x माइनस टू से डिवाइड करना है तो जिससे डिवाइड करना है रिमाइंडर निकालने के लिए पहले उसे जीरो कर दो. जैसे आपने जीरो किया तो x की वैल्यू टू आ गई, राइट. तो जो भी आपके पास फंक्शन दिया है इसे हम लोग fx फंक्शन बोलते हैं, राइट. जो भी हमारा पॉलिनोमियल है जो है x टू दी पावर 4 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, राइट. अब अगर मैंने f ऑफ 2 रख दिया तो f 2 रखने पर यह आएगा 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 5, राइट. ये जो मेरे पास आ रहा है नंबर, राइट, ये जो नंबर मेरे पास आ रहा है ये 4 आया 25, राइट. ये नंबर बना मेरे पास जो 25, ये 25 जो आ रहा है मेरे पास f2 की वैल्यू, यही इसका रिमाइंडर कहलाएगा, राइट. यही फिर से एक बार सुनना, क्या करना है आपको, जिससे आपको डिवाइड करना है x माइनस वन, x माइनस टू से डिवाइड करना था तो पहले उसे आपने जीरो रखा. जीरो करने पर x की कुछ वैल्यूज आपके पास आ गई x इज इक्वल टू टू.
जो x इक्वल टू 2 आ गया वो अपने एफ एक्स पर रख दिया, एफ टू की वैल्यू आपके पास जो आ गई वही आपका रिमाइंडर है, राइट। एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आप बताना इसी क्वेश्चन पे, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लीव्स द रिमाइंडर, जल्दी से देखो तो। सर 5। वेरी गुड, एवरीवन डू इट फास्ट। सर 5 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, मैंने कर दिया, वेरी गुड, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर। सर आपने क्या चेंज किया? एक्स प्लस 1। सर 1 आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं अब, ना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, then remainder will be, जल्दी से देखो तो क्या आ रहा है। सर 14 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो सभी लोग, किसी का 13 किसी का 14।
सर 14 सर। यस बेटा डन डन। देखो थ्री मैंने रखा है इक्वल टू थ्री, तो थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सॉरी फोर इंटू थ्री। वेरी गुड प्लस टू, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो 12 प्लस टू 40 मींस दिस इज नॉट डिविजिबल बाय x माइनस थ्री, रिमाइंडर विल बी दिस राइट। नाउ लुक, अब देखना कैसे क्वेश्चन में चेंजेस ला रहा हूं। डू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। Right, possible values of A and B. Then देखें सी, अब ये गिवन है कि इसके दो फैक्टर्स मेरे पास है, क्वाड्रेटिक है और एक ये फैक्टर है राइट। कैसे वर्किंग करना होता देखो, मैंने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया राइट, मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स से मल्टीप्लीकेशन में आया ये ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू, ये पूरा आ गया। ए एक्स क्यूब माइनस ऑफ बी प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी माइनस एक्स प्लस टू राइट। अब क्योंकि दोनों ही पॉलिनोमियल है ये और ये, दोनों पॉलिनोमियल गिवन है, तो पॉलिनोमियल में अच्छी बात क्या होती है कि ईच एंड एवरी टर्म विद द फैक्टर विल बी सेम। तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट ए है, एक्स क्यूब का कोफिशियंट टू है, ए इज इक्वल टू टू। वेरी गुड राइट। राइट, कोफिशियंट ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर को आप कंपेयर करके बी की वैल्यू निकाल सकते हो। राइट मल्टीप्लाई किया हमने ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू टू ए एक्स स्क्वायर
right, this is 2a. So b plus 2a is equal to 5, b is equal to 1. A की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई. Is it okay? Everyone? ठीक है ना, कंपेयर कैसे करते हैं, समझ में आई बात? ये एक तरीका हुआ. दूसरा मेथड भी बताऊं इसमें? हाँ सर. देखो, दूसरा मेथड ये हो सकता है, क्योंकि ये नंबर जो मेरे पास है, दो फैक्टर जो दिख रहे हैं इसमें, ये कंफर्म है कि एक तो फैक्टर x माइनस टू है और दूसरा फैक्टर मेरा गिवन है वो है. तो मैं क्या करूं कि जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास 2x cube minus 5x square plus x plus 2, इसे x minus 2 से मैंने divide कर दिया. 2x square, 2x cube minus 4x square minus plus, minus x square plus x, minus x कर दिया तो minus x square plus 2x. प्लस माइनस माइनस एक्स आ गया, प्लस टू माइनस वन कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये कैंसिल हो गया, राइट? तो ये मेरे को डिवाइड करने पर आया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और इसे इक्वल होना चाहिए ax स्क्वायर माइनस bx माइनस वन के. समझ में आ रही होगी बात? सर नहीं समझा. क्या नहीं समझ में आया बेटा? 2x अगर ये वाले को डिवाइड किया मैं, तो जो बचेगा वो इसी के इक्वल बच रहा है ना. हाँ सर. हाँ. दोनों को इक्वेट किया तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई. राइट. मतलब पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं वो बेसिक फंडामेंटल मैंने लगाते हुए सॉल्व कर दिया. सही है. जल्दी से नोट करो. Done. एक और क्वेश्चन ऐसा दूं? हाँ सर. राइट डाउन.
2x³ - 9x² + x + 12 = 2x1 into ax² + bx + 12. Find possible values of a and b. Very good. Very good, very good. देखो सेकंड और प्यारा क्वेश्चन एक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसे. वेरी गुड वेरी गुड. सेकंड पर आ जाओ जल्दी से. वेरी गुड वेरी गुड. आ जाओ सेकंड पे आप. Very good. देखो देखो
फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, या तो x प्लस वन से डिवाइड कर दिया या सीधा मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दिया। सेकंड वाला थोड़ा नया था, क्या एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटी माइनस ए एक्स माइनस बी। मैंने ए एक्स एंड बी मान लिया, तो ए एक्स माइनस बी ये जो है नंबर, ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे, तो x प्लस फोर एंड x माइनस थ्री से। सही है, सही है। तो लॉजिक समझना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड वाले में जो अभी तक स्टेटमेंट मैंने दिया, क्या सभी को क्लियर है? सर वो 60 है कि 80 है? कौन सा? जो लास्ट है ना, वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन था। हाँ मेरे को देखना पड़ेगा बेटा। 80 है बेटा, ये 80 राइट। तो 80 अगर है, जो भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये तो ax plus b मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया। ये क्लियर है सबको? और ये डिविजिबल होना चाहिए x square plus x minus 12 से। तो x square plus x minus 12 का मतलब हो गया x plus 4 into x minus 3। सही है। अब x plus 4 और x minus 3 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, कैसे करेंगे हम? तो अगर मैं एक बार इस पूरे में x is equal to minus 4 रख दूं, एक बार x is equal to 3 रख दूं, तो दोनों ही समय इसे जीरो होना चाहिए। जल्दी से रख के देखो तो क्या आ रहा है सर। हाँ सर, वो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया ना, वो एक बार फिर से समझाओ ना, मतलब कौन से मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, समझा नहीं मेरे को। इसमें क्वेश्चन गिवन था कि क्या मैं सबट्रैक्ट करूं इस नंबर से, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 से, ठीक है? ये क्वेश्चन था। मैंने कहा कि मैंने ax माइनस b इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? तो सबट्रैक्ट करूंगा तो ये इससे डिविजिबल है, तो मैं बोलूंगा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। और ये कब जीरो होगा? x = -4 पर। ये कब जीरो होगा? x = 3 पर। तो एक बार मैं इस पर जब 3 रखूंगा और एक बार मैं 4 -4 रखूंगा, तो ये जीरो हो जाना चाहिए। उससे मुझे इक्वेशन मिलना चाहिए a और b के। जल्दी से देखो तो क्या क्या इक्वेशन आ रहा है दोनों के लिए। सर हमें हर टाइम ax - b रखना है। क्या चाहिए बेटा? अगर ऐसा टाइप का सम आया तो हमको ax - b रखना है पीछे। हाँ, मस्ट बी सबट्रैक्टेड ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक का रिमाइंडर तो लीनियर ही बचेगा ना। लीनियर का मतलब ax plus b रहा। अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे होते तो फिर क्वाड्रेटिक बचता, ax square plus dx plus c लेना होता उस समय। समझे बात को? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। ठीक है, ओके निकल गया, गॉट द आंसर। x इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस 54 माइनस 45 प्लस 80 माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सेकंड राइट, माइनस 4 रखा, माइनस 64 माइनस 96 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 4a
माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में? एवरीवन ये पूरा रिवीजन कर लेना, क्लास टेंथ में जो पॉलिनोमियल था उसको भी एक बार देख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? ये सब में एक मुझे पूछना है, पूछो ना बेटा। सर जो नॉर्मल पॉलिनोमियल था x क्यूब माइनस 6x² माइनस 15 प्लस 80, उसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? एकदम उसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वही नंबर मेरे पास है, एग्जैक्टली वही चीज आएगा। वेरी गुड, गुड थॉट, वेरी गुड, अच्छा दिमाग है, सेम प्रोसेस ना? सर डाउट है, पूछो बेटा। सर थोड़ा पहले आपने जो सिखाया था ना सर, वो x माइनस 2 द होल क्यूब, हां हां, उसे लिखा x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 बाई 3 2 टू द पावर 2 बाई 3, ये लिखा, ठीक है, दोनों तरफ मैंने पावर चढ़ा दिया 3, x क्यूब माइनस 8, ठीक है, yes, ये दोनों तरफ फिर फॉर्मूला लगा दिया a माइनस b का होल क्यूब का। तो सर इसमें जरा एक बार लगा के बताओ ना x माइनस 2 में क्या फॉर्मूला होता है, बताओ a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ। सर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab माइनस इनटू a माइनस b, ध्यान से सोच के बोलो, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है? नहीं सर, वो a माइनस b तो होल क्यूब है ना? हाँ, a क्यूब माइनस b, सर उसको क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है? हाँ सर, तो a क्यूब का मतलब हो गया x क्यूब, माइनस b क्यूब का मतलब हो गया 8, माइनस 3 का मतलब हो गया 3, ए का मतलब हो गया x, b का मतलब हो गया 2, a माइनस b का मतलब हो गया x माइनस 2, यही लिखा मैंने, इसमें भी वही लगा दिया। हाँ पावर 3 कट हो गए, केवल 2 और 4 बच जाएगा ना? 4, 3 into ये दो, चलो अच्छे से रहना, सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन के ना, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे ना, चलो बाय बाय।